वालेकुम। एमएल के इस थर्ड लेक्चर के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लासिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग स्पोर्ट वेक्टर मशीन्स, और उसमें डिफरेंट कर्नल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे एसवीसी के अंदर। तो उसके लिए न्यू फाइल पाइथन की मैंने क्रिएट की है और इसका नाम मैं दे देता हूँ एसवीएम क्लासिफिक एसवीएम इम्प्लीमेंटेशन। तो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो कि लेक्चर नंबर वन में था, इंपोर्ट पांडास एस पी डी, इंपोर्ट नमपाई एस एन पी, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एस एम पी एल, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एस पी एल टी फ्रॉम एसकेलर्न डॉट मॉडल अंडरस्कोर सेलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फ्रॉम एसकेलर्न। आप यहाँ पे करवा लेंगे इम्पोर्ट डाटा सेट्स एस डी एस, ठीक है। बिल्ट इन डाटा सेट्स आपके पास एसकेलर्न के अंदर मौजूद हैं, इसको हमने इंपोर्ट करवा लिया और इन लाइन कर लेते हैं मैटप्लॉटलिब इन लाइन। ठीक है, अच्छा, इसको करवाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, डाटा सेट इज इक्वल टू डी एस डॉट लोड अंडरस्कोर आयरस। इस डाटा सेट को हम यूज करेंगे जो कि डाटा सेट डीएस में अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल। अगर मैं डाटा सेट आपको डिस्प्ले करवाऊं, और ये पहले से प्री प्रोसेस डाटा है, ठीक है, इसके अंदर प्री प्रोसेसिंग की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, पहले से वेल फॉर्मेट है आपके पास, हर चीज़ अवेलेबल है, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह हर चीज़ आपको बता रहे हैं, ठीक है, ईच एंड एवरी थिंग। और इसमें फीचर कितने हैं, 1 2 3 4 फीचर्स हैं आपके पास। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सप्लीट योर डाटा इनटू ट्रेनिंग एंड डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट डाटा सेट डॉट डाटा। आप लिखेंगे तो डाटा इसमें आ जाएगा, और प्रेडिक्शन प्रेडिक्टिव वेरिएबल आपने जो है वाई में प्लेस करना है फीचर्स। तो डाटा सेट डॉट टारगेट, टारगेट भी कहते हैं उसको। तो एक्स अगर मैं डिस्प्ले कराऊँ तो सारा इसमें आ गया, ठीक है, और अगर मैं आपको अब वाई डिस्प्ले कराऊँ तो वाई इसमें आ गया, प्रेडिक्शन हमारी सारी इसमें आ गई। अगर डाटा सेट को देखें तो ये वाली जो प्रेडिक्शन थी, ये टारगेट की जो प्रेडिक्शन थी, ठीक है, टारगेट हमने सारा उसमें प्लेस कर दिया वाई में, और जो हमारा डाटा था सारा, ये वाला डाटा जो था सारा, दो कॉलम थे ना उसमें, डाटा और टारगेट, डाटा हमने उसमें प्लेस कर दिया और वो उसमें प्लेस कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम जस्ट हमने क्या करना है, फ्रॉम एसकेलर्न इंपोर्ट एस वी सी, और ये जो एफ वी सी है इसकी डेफिनेशन डॉट एस वी एम, इसके जरिए से हमने इसको इंपोर्ट करवा लिया जी, ठीक है, स्पोर्ट वेक्टर क्लासिफायर को, और मॉडल हमने सेलेक्ट किया इज इक्वल टू एस वी सी, जिस तरह लीनियर रिग्रेशन को किया था। मॉडल अगर मैं आपको डिस्प्ले करवाऊँ, ये एस वी सी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप इज आपने ट्रेनिंग और टेस्टिंग में सप्लिट करना है एक्स और वाई को, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा एक्स अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर टेस्ट इज इक्वल टू ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर सप्लिट एक्स कॉमा वाई। नेक्स्ट स्टेप इज सप्लिट सप्लिट रेशियो टेस्ट अंडरस्कोर साइज इज इक्वल टू 0.3 कॉमा, डिफॉल्ट 0.3 होता है, हम 4 कर लेते हैं, ठीक है, रैंडम अंडरस्कोर स्टेट इज इक्वल टू 2 कर लेते हैं। तो स्प्लिटिंग होगी जी हमारी। अब इसके बाद ही हमने फिट करना है जस्ट मॉडल डॉट फिट एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन। अगर किसी को मुश्किल पेश आ रही है स्पीड में कोडिंग कर रहे हैं हम,
तो लीनियर रिग्रेशन को और पॉलिनोमियल रिग्रेशन जो लास्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया उसको लेक्चर लेकर आए पीछे, इसी से इन दो इस वीडियो से पीछे है, तो फिर ये आपको मुश्किल नहीं होगी, बिल्कुल आसान सा काम है। इस टाइम जस्ट हमने मॉडल चेंज किए, बाकी सारा काम प्रीवियस करें और बिल्ट इन डाटा सेट यूज़ किया हमने। अब जैसे हमने क्या करना है, प्रेडिक्शन परफॉर्म करनी है, और प्रेडिक्शन के लिए y अंडरस्कोर प्रेडिक्ट इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, और इसमें जो हम चीज़ पास करेंगे x अंडरस्कोर टेस्ट, इसको पास करेंगे, तो प्रेडिक्शन भी परफॉर्म हो गई है। अच्छा, अब हमने चेक करना है कि एक्यूरेसी स्कोर क्या है हमारे मॉडल का, तो उसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करवानी पड़ती है, sklearn import metrics as m, ठीक है, उसको m का नाम देके मैंने इंपोर्ट करवा लिया प्रिंट। अब मैं ज़रा एक्यूरेसी स्कोर चेक कर लेते हैं अपने मॉडल का, तो m डॉट एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर, ठीक है, और ये आपके पास दो एक्सपेक्टेड और प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड आप एक्सपेक्टेड आपके पास क्या है, एक्सपेक्टेड आपके पास है y अंडरस्कोर टेस्ट है, ठीक है, जिसकी आपने एक्सपेक्ट किया हुआ है, तो y अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा, और प्रेडिक्टिव क्या आपके पास, ये है आपने जिसकी प्रेडिक्शन परफॉर्म की है y अंडरस्कोर प्रेडिक्ट, तो 93% आपके पास एक्यूरेसी है, प्रीटी मच गुड, अच्छी एक्यूरेसी है। तो ये आपका SVC सिंपल जो है आपके पास पोर्ट वेक्टर मशीन क्लासिफायर, उसको आपने इम्प्लीमेंट कर लिया है। इसके बाद हमारे पास आते हैं डिफरेंट SVC के अंदर कर्नल्स हैं, कर्नल्स हमारे पास डिफरेंट है, तो चार कर्नल्स हैं हमारे पास जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे अभी यूजिंग SVC, तो इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अब हम। तो उसके लिए जो लाइब्रेरी हम इम्पोर्ट करवाएंगे फ्रॉम sklearn import svm, ठीक है, स्पोर्ट वेक्टर मशीन बिल्ट इन हमने उसको इंपोर्ट करवाया जो कि sklearn के अंदर अवेलेबल है। डाटा सेट हमारे पास डेफिनेटली डाटा सेट, हम दोबारा से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसमें से हमने फर्स्ट टू कॉलम्स जो हैं इसको डॉट वैल्यूज कर लें, यहाँ बेशक यहाँ y इज इक्वल टू डाटा सेट, और आप यहाँ पे इसको दे दें जी टारगेट, अच्छा टारगेट हमने सारे उसको देने हैं ना, तो डॉट टारगेट कर लें आप, अच्छा स्लाइसिंग अनंत, तो ये आप इसको यहाँ से एक एरर आ रहा है, कह रहा है अंत ये चीज अवेलेबल नहीं है, तो होना तो नहीं चाहिए, हम दोबारा से लिख लेते हैं। अच्छा, तो हमने डाटा सेट डॉट डाटा, ठीक है, स्लाइसिंग तो इसके ऊपर हमने इम्प्लीमेंट करनी है ना, डाटा के कॉलम के ऊपर, तो टारगेट डाटा के अंदर से हमने दो वो लिया, अगर मैं अक्सर आपको डिस्प्ले कराऊँ तो ये लें दो कॉलम जो है हमने जस्ट एक्स में प्लेस करनी है, वाई सारे का सारा वैसे ही है, ठीक है, वाई सारा वैसे ही है। अब जस्ट हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं svc इज इक्वल टू svm.svc, और जिसके अंदर कर्नल इज इक्वल टू हम कह देते हैं लीनियर, ठीक है, लीनियर कर्नल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इसमें सी जो है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1.0 होती है। अच्छा, ये तमाम चीज़ों के लिंक, ये सी आपके पास क्या है और आपके पास svm क्या है और जितनी भी चीज़ें, इनके लिंक जो हैं सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेस किए हुए हैं, आप वहाँ से जाएं पहले इसको पढ़ के इन चीज़ों को, फिर उसके बाद आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करें तो आपको आसानी से समझ आएगी। x कोमा वाई मैं इसी टाइम साथ ही फिट कर लेता हूँ, इसी को मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि इसी को मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, चार बार पेस्ट कर लेता हूँ मैं, तो नेक्स्ट मेरे पास जो है कर्नल RBF कर्नल है उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, और उससे नेक्स्ट मेरे पास पॉलीनोमियल कर्नल की इम्प्लीमेंटेशन है, और उसके बाद मेरे पास लीनियर कर्नल की LIN अंडरस्कोर, ठीक है, सॉरी कर्नल लीनियर तो मेरा यहाँ पे है ना LIN अंडरस्कोर, ठीक है, ये जस्ट सिंपल SVC है, सिंपल SVC है, या फिर इसको आप LIN कर लें और उसको सिंपल कर लें आप, और उसके अंदर जस्ट कर्नल आप हटा देंगे, ठीक है।
और यहाँ पे आरबीएफ के अंदर कर्नल का जो होगा आपका आरबीएफ होगा, इसमें आपके पास कर्नल पोली होगा और इसमें कर्नल लीनियर होगा, ये डेफिनेटली इस तरह होगा, ठीक है। अच्छा, आरबीएफ के अंदर आपके पास एक और जो पैरामीटर आता है वो आता है गैमा का, लाजमी गैमा इज इक्वल टू इसकी जो है रेंज है 0.0 से 1.0 तक है, 0.7 मैंने यहाँ पे फिट किया। और पॉलीनोमियल में जो आपके पास लाजमी आता है वो आता है जी डिग्री, अभी हम पीछे पॉलीनोमियल को इम्प्लीमेंट करके आए हैं, तो डिग्री मैं इसकी कर देता हूँ जी थ्री डिग्री कर देता हूँ। एग्जीक्यूट किया जी हमने गैमा, ट्रिपल एम मैंने प्लेस कर दिया कहीं, चले जी एग्जीक्यूट हो गया। अब जस्ट मैंने तमाम इनको कर्नल्स को यहाँ पर उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं जिनके ज़रिए से मैं यहाँ पर उनको फैच करूँगा, डिस्प्ले करवाऊँगा। अब जस्ट मेरा काम क्या है, डाटा की विजुलाइजेशन परफॉर्म करना, तो विजुलाइज करवाऊँगा मैं इन चारों को, विजुलाइज करवा लेता हूँ एक साथ ही। तो उसके लिए मुझे जो काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मुझे मैश ग्रिड, आज हम मैश ग्रिड के ज़रिए से विजुलाइजेशन परफॉर्म कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे एक्स मिनिमम और वाई मिनिमम, एक्स एक्सिस का मिनिमम और वाई का मिनिमम, ठीक है, एक्स और वाई दोनों का फीचर्स का मिनिमम कंप्यूट करना पड़ेगा। तो मैं एक्स अंडरस्कोर मीन, इसी तरह वाई एक्स अंडरस्कोर मैक्स, दो ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिए। एक्स मीन मेरे पास जो होगा वो निकलेगा जी, मैं उसके लिए फर्स्ट कॉलम में से ही मैं मिनिमम कंप्यूट कर लेता हूँ। मिनिमम के लिए फंक्शन ये होता है, ठीक है, -1, और इसी तरह एक्स, और मैं 0 फर्स्ट कॉलम में से ही मैक्सिमम भी कंप्यूट कर लेता हूँ, और मैक्सिमम के लिए जो हमारे पास होगा जी +1 होगा। इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ, और इसी तरह मैं यहाँ पर वाई मीन और वाई मैक्स कंप्यूट करता हूँ, वाई मैक्स, और उसके लिए मैं सेकेंड कॉलम में से वो करता हूँ, ठीक है, वाई मीन वाई मैक्स। ये जी मैंने कंप्यूट कर लिए हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम एक्सिस, इनको कंप्यूट कर लिया। अब जस्ट मैंने मैश ग्रिड को इम्प्लीमेंट करना है, तो मैश ग्रिड मेरा एक्स और वाई दो पे कंटेन किया हुआ है, एक्स पे और वाई पे दो पे है, तो एक्स एक्स को मैं वाई वाई मैं कह देता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, आप एक्स वाई कह लें, बेशक आप इसको एक्स कह लें और इसको वाई कह लें, ठीक है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैश ग्रिड आपका एनपी के जरिए से होता है मैश ग्रिड, और मैश ग्रिड क्या चीज़ है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है आपके पास, ये दो नंपाई अरेज को कंटेन करता है। तो एनपी डॉट अरेंज मैं करूँगा, और कॉमा एक्स के लिए, एनपी डॉट अरेंज मैं करूँगा ये वाई के लिए, ठीक है, वाई मैश के लिए, मिनिमम वाई मैक्सिमम के लिए। अरेंज क्यों किया, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, वहाँ से आप रीड करके हैं, हम कोडिंग के ऊपर इम्प्लीमेंटे को लेके चलेंगे, थ्योरी आप पढ़ लें इधर से। तो दो आर्गुमेंट हैं, एक्स अंडरस्कोर मेन कॉमा एक्स अंडरस्कोर मैक्स, ठीक है, सेम वैसे यहाँ पर अगला वाई अंडरस्कोर मेन, ठीक है, कॉमा वाई अंडरस्कोर मैक्स, दो आर्गुमेंट मैंने यहाँ पे पास किए हैं, और इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया जी। अब नेक्स्ट मेरे पास चार, एक दो तीन चार, चार ग्राफ है, तो टाइटल्स ठीक है, इसकी मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। सिंपल जो फर्स्ट वन है मेरे पास, सिंपल SVC, ठीक है, और नेक्स्ट वन मेरे पास है RBF SVC, ठीक है, नेक्स्ट वन मेरे पास जो है वो है जी पॉलीनोमियल SVC, नेक्स्ट जो मेरे पास है जी लीनियर SVC, नेक्स्ट ये है। तो टाइटल्स भी मैंने चार चूज कर ली हैं। अब जस्ट मैं फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर आई कॉमा CLF, CLF आपके पास किस लिए यूज होते हैं, इसका भी लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। इनमरेट मैं इनमरेट करूंगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली इनमरेट और आइट्रेटर, आपको ये आइट्रेटर और नंबरेटर क्या चीज़ है, इन दोनों का इकट्ठा लिंक आता है आपके पास, आप इसको चेक कर सकते हैं। एनीवे यहाँ पे मैं टूपल पास करूँगा, अपने इन तमाम ऑब्जेक्ट्स की टूपल मैं पास करूँगा। फर्स्ट वन मेरे पास SVC है, सेकंड वन मेरे पास RBF_SVC है, थर्ड वन मेरे पास Poly_SVC है, एंड द फोर्थ वन इज LIN_SVC मेरे पास है। तो ये मैंने इस तरह किया,
अब जस्ट मैं plt डॉट फिगर और इसमें फिक्स साइज, ठीक है, अपनी फिगर का साइज मैं डिफाइन कर रहा हूँ, इसको मैं टूपल पास कर देता हूँ 10x10 की मैं फिगर का साइज रख देता हूँ। अब फिगर का साइज अगर मैंने डिफाइन किया है तो सब प्लॉट का भी होगा, सब प्लॉट से मुराद है, ठीक है, 2x2 मैंने इनका साइज रख दिया कॉमा, और यहाँ पर मुझे लोकेशन भी पास करनी है तो i+1 मैंने उसकी लोकेशन पास कर दी, ठीक है। अब लोकेशन पास करने के बाद मैंने सब प्लॉट्स की लोकेशन पास कर दी। अब इसके बाद मैंने जस्ट हाइट और विड्थ जो है मेरे इनकी फिगर्स की, जो मेरे पास हाइट और विड्थ है उसको मैंने सेट करना है, तो उसके लिए मेरे पास जो आर्गुमेंट इस्तेमाल होगा फंक्शन plt डॉट सब प्लॉट्स और अंडरस्कोर एडजस्ट, ठीक है। ये इसका भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। w स्पेस दो आर्गुमेंट इसके अंदर मैं पास करता हूँ, 0.5 को मैं विड्थ को मैंने सेट किया, h स्पेस हाइट को मैं सेट कर देता हूँ जी, ये भी मैंने 0.5 रख दी, ठीक है, 0.5। अच्छा, उसके बाद अब मैं जस्ट प्रेडिक्शन परफॉर्म कर लेता हूँ, plt डॉट प्रेडिक्ट, ठीक है, और प्रेडिक्शन जो है मैं np_c, क्योंकि मेरे पास दो ये हैं और दो ये हैं, ठीक है, ये दो हैं, ठीक है, और टोटल दो मैश है, एक मैश ये एक मैश ये है, एक्स मैश बाय मैश, ठीक है, तो मैंने ओवरऑल मैश क्रिएट करना है, तो c_ के जरिए से मैं ओवरऑल क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पर मैं जब जिस तरह ही यहाँ पे xs डॉट मेरे पास में ravel रीफॉर्मेट करके मैं इसको क्रिएट करूंगा, रीफॉर्मेट x के लिहाज से इस तरह y डॉट ravel रीफॉर्मेटिंग मैं कर रहा हूँ डाटा की, ठीक है। और इसके बाद मेरे पास plt, क्योंकि मैंने रीफॉर्मेटिंग किया, इसका जवाब जो है मैं एक प्रेडिक्टिव वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ z के अंदर, और z के और फिर जब क्योंकि हमने डाटा की रीफॉर्मेटिंग की है तो रीशेपिंग भी मुझे करनी पड़ेगी अब लाजमी, तो z डॉट रीशेप और इसके अंदर मैं xs डॉट शेप इसके ज़रिए से मैं पास कर देता हूँ, ठीक है, बगैर उससे पहले। अच्छा जी, अब इसके बाद जस्ट मैं अपना जो ग्राफ है उसको फिल करूंगा डिफरेंट पैलेट्स को यूज़ करते हुए, तो मैं काउंटोर प्लॉट को मैं यूज़ कर रहा हूँ, CONTOUR, ठीक है, काउंटोर प्लॉट को मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं जैसे काउंटोर लिखूंगा तो बगैर फिल के, अगर f लिखूंगा तो ये फिल के साथ है, xx, yy, कोमा प्रेडिक्टिव वेरिएबल z है मेरे पास, और सी मैप कलर पैलेट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, सी मैप plt डॉट कलर मैप इसे कहते हैं, डॉट cm डॉट इसके अंदर मेरे पास TE Terrain मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए। एंड डेफिनेटली ओपेसिटी मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, जिसकी रेंज 0.10 से 1.0 तक है, और मैंने इसको कर दिया जी। अब काउंटोर फिल हो गया, अब जस्ट मैं अपने डाटा पॉइंट्स को, ये मैंने बैकग्राउंड अपना सेट कर दिया, ठीक है, सारा उसका बाउंड्रीज वगैरह सेट कर दी। अब जस्ट मैंने अपने डाटा पॉइंट्स को प्लॉट करना है, तो डाटा पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए हमने लास्ट टाइम भी देखा स्कैटर को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसके अंदर डाटा पॉइंट्स मेरे किस में हैं, मैं सारी रोज को 0 कॉलम से फैच किया, ठीक है, कोमा सॉरी रोज को मैंने एक्स सारी रोज को जी मैंने फर्स्ट कॉलम से फैच किया, ठीक है, कोमा सी मैप इसका कलर मैप जो मैं चूज करूंगा plt डॉट cm डॉट मैं इसके लिए जो यूज़ करूँगा dark2 मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह plt डॉट x label को मैंने चूज़ किया, x एक्सिस के ऊपर मेरे पास मैं कह रहा हूँ लेंथ है, ठीक है, और plt डॉट y label के ऊपर मेरे पास विड्थ है, ठीक है। plt डॉट टाइटल के ऊपर मैं कह देता हूँ जी जो मेरा यहाँ पे टाइटल है, ये टाइटल्स मैंने TITLES, ठीक है, टाइटल्स मैं आई में पास कर देता हूँ, क्योंकि ये सब तमाम टाइटल्स मैंने वहाँ पे डिस्प्ले करवाने हैं, हर शेप के ऊपर अलग अलग डिस्प्ले करवाना है। लिमिट्स भी मुझे लाजमी सेट करनी पड़ेगी, लिमिट्स मुझे इसकी वजह से सेट करनी पड़ेगी, ठीक है, तो इसकी वजह से जब मुझे लिमिट सेट करनी पड़ेगी तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आफ्टर गिविंग कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ plt डॉट एक्स लिमिट, ठीक है, एक्स लिमिट मैंने यहाँ पे लिखा, तो xx डॉट मीन, ठीक है, और इसी तरह xs डॉट मैक्स, ये x की लिमिट मैंने सेट कर दी है, plt डॉट y की लिमिट्स मैं सेट कर देता हूँ, y डॉट मीन, ठीक है, उसको कॉमा
पीएलटी सॉरी वाई वाई डॉट मैक्स इसकी लिमिट्स मैंने सेट कर दी हैं। ये होने के बाद जस्ट मैं इसको एंटर शिफ्ट एंटर किया, डिस्प्ले करवाया एज नो एट्रीब्यूट प्रेडिक्ट। अच्छा तो यहाँ पर ये एरर आया, सॉरी यहाँ पर ये लिस्ट मैंने पास करनी थी, ये मैं हमेशा भूल जाता हूँ। तो ये लिस्ट को कंटेन करता है पीएलटी में, तो प्रेडिक्ट नहीं होता, प्रेडिक्शन हमारी सीएलएफ के जरिए से होगी डेफिनेटली। यहाँ पर भी ये है सीएलएफ के जरिए से होगी। अच्छा हैज नो एट्रीब्यूट एसएम, ये एसएम नहीं है, ये हमारे पास क्या है सीएम है, ठीक है सीएम है। तो ये हमारा जी तमाम इम्प्लीमेंट हो गया, सिंपल एसवीसी आपके सामने है, आरबीएफ के जरिए से आपके पास एसवीसी जो है वो भी आपके सामने है, पॉलीनोमियल के जरिए से एसवीसी वो भी आपके सामने रिजल्ट है, और लीनियर के साथ वो भी आपके पास रिजल्ट है। अगर आपने इन डाटा इन पॉइंट्स को ये जो टिक्स हैं आपके पास इनको रिमूव करना है आपने, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हमने लास्ट टाइम भी देखा पीएलटी डॉट एक्स टिक, ठीक है एक्स टिक्स लिखते हैं आप, और इसी तरह नल एम्प्टी आपने पास कर दिया, सेट कर रहे हैं ना आप उसको टिक्स, आपने एम्प्टी सेट किया, ठीक है। अब ये ले जी आपके पास तमाम पॉइंट्स भी रिमूव हो चुके हैं, ठीक है ये आपके पास ग्राफ। तो ये आज हमने देखा जी एसवीएम को इम्प्लीमेंट किया एसवीसी के जरिए से, और डिफरेंट कर्नल्स को इम्प्लीमेंट किया, आरबीएफ को, पॉलीनोमियल को और लीनियर को, ठीक है डिफरेंट कर्नल्स को हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम रियल टाइम डाटा के साथ डील करेंगे। अभी तो हमने बिल्ट इन डाटा सेट को यूज़ किया है, उसमें फिर हम प्री प्रोसेसिंग भी परफॉर्म करेंगे।